हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये बालक महाराज बाहुक और महारानी नंदिनी का पुत्र है। हरिओम हरिओम। ये तो गंगा मैया की कृपा है। क्या नाम है तुम्हारा? सगर। सगर महर्षि, इस बालक को गर्भ में नष्ट करने के लिए विष का प्रयोग किया गया था, किंतु गंगा मैया की कृपा से इसने विष को पचा लिया, इसीलिए इसका नाम सगर रखा गया। अवश्य किसी लोक हित कार्य करने के लिए किसी विभूति ने सगर के रूप में जन्म लिया है। पुत्र, आज तुम गुरुकुल जा रहे हो। माँ, ये गुरुकुल ही तो है। है तो, परंतु ये स्थान तुम्हारा जन्म स्थान है। इस गुरुकुल के कुलपति तुम्हारे पितामह हैं, और तुम्हें अपनी परंपरा से जुड़ना है। पुत्र, महर्षि दादा आज तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारे पिताजी पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी कहाँ हैं माँ? वो तो शत्रुओं से युद्ध करते करते स्वर्ग चले गए। अब वो कब आएंगे? तुम क्यों रो रही हो माँ? पुत्र, पहले तेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, और आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तू रो मत माँ, मैं पिताजी को लेकर आऊंगा। पुत्री नंदिनी। प्रणाम। प्रणाम। माँ पुत्र में क्या बातें हो रही हैं? इसे गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित कर रही थी। पुत्र सगर, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ पिता माँ। चलो, अपनी माता से आज्ञा ले लो। प्रणाम महर्षि वशिष्ठ। प्रणाम महर्षि औरु। ये बालक तो सूर्यवंशी है। महर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं। ये बालक महाराज बाहुक और महारानी नंदिनी का पुत्र है। हरिओम हरिओम। ये तो गंगा मैया की कृपा है। क्या नाम है तुम्हारा? सगर। सगर महर्षि, इस बालक को गर्भ में नष्ट करने के लिए विष का प्रयोग किया गया था, किंतु गंगा मैया की कृपा से इसने विष को पचा लिया, इसीलिए इसका नाम सगर रखा गया। अवश्य किसी लोक हित कार्य करने के लिए किसी विभूति ने सगर के रूप में जन्म लिया है। महर्षि, सूर्यवंश के इस उत्तराधिकारी को आपके चरणों में सौंपने आया हूं। आप इसे विद्या देकर विभूषित कीजिए। यह तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, क्योंकि मैं सूर्यवंश का कुलगुरु हूं। आयुष्मान भव। आओ पुत्र।
वत्स सगल, अब मैं तुम्हें इंद्र अस्त्र प्रदान करता हूं। समस्त असुरी शक्तियों को ध्वस्त करने के लिए देवेंद्र इसी इंद्र अस्त्र का प्रयोग करते रहे हैं। इसे ग्रहण करो वत्स सगल। अब मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान कर रहा हूं, इससे पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो सकता है। इसका प्रयोग ब्रह्मदेव से पूछे बिना ना करना। इसे ग्रहण करो वत्स। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई सगल, अब तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हो चुके हो। कीर्तिमान भव।